हेलो फ्रेंड्स, नीम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही मछली। ये एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रेडिशनल बंगाली डिश है। इसे दोई माछ भी कहा जाता है। इसे आप सिंपल चावल के साथ खा सकते हैं। घर में कोई भी पार्टी या फिर ओकेशन हो, इस दही मछली को बनाकर आप अपने मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम सामान में ये बन भी जाती है। तो फिर चलिए दही मछली बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दही मछली बनाने के लिए मैंने लिया है कातला फिश। इसे मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। इसे अब हम मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से कोट कर लेंगे मछलियों को। आप कोई भी बड़ी मछली का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मछलियों को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मछलियाँ जब तक हमारी मैरिनेट हो रही है, तब तक हम दही मछली के लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ एक छोटे प्याज। प्याज को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्च, हाफ इंच अदरक और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम एक साइड में रखते हैं और चलते हैं मछलियों को फ्राई करने के लिए। उसके लिए एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। दही मछली को मस्टर्ड ऑयल में बनाने से उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक करके मछलियाँ डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मछलियों को हम 1 मिनट के लिए नीचे की तरफ से फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक हम मछलियों को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे ताकि मछलियां हमारी अंदर से भी अच्छे से पक सके। मछलियां हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची और 4 लौंग को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसे भी हम ऐड कर देंगे। मसालों को हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें हम प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाकर रखा था उसे डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। 1/4 कप दही को मैंने अच्छे से फेंट कर ले लिया है। इसे भी हम ऐड कर देंगे। दही को डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दें ताकि दही जो है वो फट ना जाए। अब इन सारी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल अलग होने तक हम इसे पकाएंगे। मसालों से तेल अलग हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से पानी ऐड करें। पानी में अच्छा उबाल आ गया है। अभी हम इसमें हमारी फ्राई की हुई मछलियाँ डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे मछलियों को फ्राई करते वक्त भी हमने उसमें नमक डाला था। और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे शक्कर। ये टेस्ट को बैलेंस करती है, लेकिन अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम लो मीडियम पर कर देंगे और पैन को कवर करके इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम मछलियों को चेक कर लेते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मिक्स करेंगे और इसे हम और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बस हमारी दही मछली एकदम रेडी है।
अभी हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। इस दही मछली या फिर दोई माछ को आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म राइस के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।